हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत ब्रंडे। आप देख रहे हैं टैक ट्रम्पेट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑनलाइन स्कैम की। ये ऑनलाइन स्कैम अलग अलग तरीक़ों से हो सकते हैं। कल ही शाम को मेरे साथ एक स्कैम होने जा रहा था जो कि मैं बच गया। आज मैं उसी के बारे में आपसे डिटेल में बात करता हूँ। कल शाम मेरे को एक कॉल आई, क्योंकि मेरा एक कोटक महिंद्रा है जिसको मैं ऑनलाइन यूज़ करता हूँ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसका मैं यूज़र आईडी भूल गया था। तो मैंने ऑनलाइन जाके नंबर्स निकाले कोटक महिंद्रा की सर्विस के, उन पे कॉल की, तो किसी ने कॉल पिक नहीं किया या ऑनलाइन जाके नहीं हो पाया, तो मैं थोड़ा शांत हो गया। मैंने नहीं किया दोबारा ट्राई। उसके बाद मुझे एक कॉल आता है जो कहता है, मैं कोटक महिंद्रा बैंक से बोल रहा हूँ, जो जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं मैं उसको फिक्स कर दूंगा, जैसे जैसे आपको मैं चीज़ें बताता रहूँ वैसे आप करते रहिए। तो ठीक है, मैं उनको फॉलो करता रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मुझे एक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा जो आप दूसरा यूज़ करते हैं, उस अकाउंट से मैं आपकी ये चीज़ें फ़िक्स कर दूंगा। मैंने उससे पूछा कि ये चीज़ क्यों, आप मुझसे दूसरा अकाउंट क्यों मांग रहे हो? तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं रीवेरीफाई करना चाहता हूँ कि आप वही आदमी हो जो ये अकाउंट यूज़ कर रहे हो या कोई और हो। एक तरीके से ये आईडी प्रूफ होगा। तो मैंने बिलीव किया, बट फिर भी मैंने उनको मना कर दिया कि मैं कोई दूसरा अकाउंट यूज़ नहीं करता, मेरे पास एक सिंगल ही अकाउंट है ये। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और एनी डेस्क डाउनलोड कीजिए। जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि आप एनीडेक्स डाउनलोड कीजिए, तो मैं ये सारा गेम समझ गया कि ये क्या चलने वाला है आगे। जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि एनीडेक्स डाउनलोड कीजिए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये एनीडेक्स क्यों डाउनलोड करने को कह रहे हो और इसमें क्या होगा? तो उन्होंने बोला, आप इसको डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, तो आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए और मैं आपकी प्रॉब्लम 10 से 20 मिनट के अंदर आपकी सॉल्व कर दूंगा। तो एनीडेक्स के बारे में ऑफकोर्स हम सब जानते ही हैं, ऐसे बहुत से ऐप हैं जो एनीडेक्स के जैसे ही हैं। अब मैं क्लियरली आपको बताता हूँ एनीडेक्स का पंगा क्या है। एनीडेक्स एक ऐसा ऐप है जो कि आप घर बैठे किसी और चीज़, कंप्यूटर या मोबाइल को दूर से बिना टच किए हुए यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ वो मेरे से डाउनलोड करवाना चाहता था, उसकी आईडी, यूज़र पासवर्ड ले लेना चाहता था कि वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से बैठे बैठे मेरे मोबाइल को हैक करके और यूज़ कर सके। तो अगर वो कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता या ऑनलाइन टच करता मेरे किसी बैंक को या किसी को, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेरे मोबाइल को यहीं दूर बैठे बैठे वहीं से ऑपरेट कर सकता था। जब उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं आपको करनी पड़ेंगी, तो मैं पंगा समझ ही गया था। तो उसके बाद मैंने उससे बात की, मैंने उसको थोड़ा अच्छे से लिया, समझाया और मतलब कहा, मैंने उसे ज्ञान की बातें दी, दो चार उल्टी सी दी भी बोली, बट उसके बाद उसने मेरा फ़ोन कट कर दिया। तो दोस्तों, आप खुद गेस कीजिए कि इस चीज़ से आप खुद समझ सकते हैं कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं कि जितने भी ये चीट वाले लोग हैं अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोगों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब डे बाई डे ये इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपको किसी ना किसी तरीके से फंसा सकते हैं ऑनलाइन स्कैम में। तो प्लीज़ इन चीज़ों से आप बच के रहिए, क्योंकि आज के टाइम में OTP CVV देना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि OTP CVV देने से ही आप अपना ऑनलाइन अकाउंट या कुछ ATM नहीं बचा सकते, आपको और चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। क्योंकि ये जब चीज़ें ऐसी हैं जो बिना OTP या मैसेज दिए हुए स्कैम आपके साथ हो सकते हैं। तो बस मैं आज के लिए इतना ही, यही चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे और भी दोस्त या भाई हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ होगा या इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, वो उनको पता लगे। तो आज के लिए इतना ही।